हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीके ऑनलाइन पेपर। तो यहाँ पर देखिए, कॉलेज छात्रों के लिए बिल्कुल सबसे बड़ी अपडेट आई है रिजल्ट के बारे में फैसला आया। आपको पता होगा राजस्थान प्रदेश के अंदर लगभग सभी यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर स्टार्ट हो चुका है और एक तरीके से बहुत बेकार सिस्टम है ये। दो दो बार फॉर्म भरना, दो दो बार एग्ज़ाम लगना, बिल्कुल सब तरीके से परेशान है स्टूडेंट। लेकिन यूनिवर्सिटी के आगे कोई क्या कर सकता है। अब आपको पता है कॉलेज के जो छात्र हैं 2024 में उनका रिजल्ट भी आया है। एग्ज़ाम लगी थी जनवरी फरवरी में और उनका रिजल्ट जारी कर दिया गया है फर्स्ट सेमेस्टर वालों का। लेकिन यहाँ पे बीएससी मैंने देखा है 70-80% स्टूडेंट के बैक लगी है पेपर में, लगभग दो किसी के तीनों में ही है। अब यहाँ पर उनका रिजल्ट आ गया तो उनका रिवोल्यूशन का फॉर्म लग जाएगा। सबसे पहले बीकॉम का रिजल्ट आया था तो बीकॉम का लगेगा। यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज़ आप देख सकते हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी की तरफ से आ रही है। आपकी यूनिवर्सिटी अलवर, सीकर, भरतपुर या फिर अन्य यूनिवर्सिटी का कॉमेंट में बताना। आपकी यूनिवर्सिटी का जो भी अपडेट चल रहा होगा ना, जरूर बताऊंगा, क्योंकि अब से आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहेगा। यहाँ पर देखिए बीकॉम फर्स्ट ईयर की जो सेमेस्टर एग्जाम है वो रेगुलर का रिवोल्यूशन फॉर्म है, वो स्टार्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पे उसकी जो लास्ट डेट है वो 13 जून रहने वाली है। आपको पता है 2 जून तक तो अभी सेकंड सेमेस्टर के फॉर्म भरे जा रहे हैं, फिर उनके भी एग्ज़ाम होंगे। अब आपके जो सेकंड सेमेस्टर हो रहा है उससे पहले जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर देख के आए उनका रिजल्ट आया तो उनका भी तो रिवोल्यूशन का फॉर्म लगेगा। तो बीएससी बीकॉम वालों का रिवोल्यूशन का फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, ध्यान रखना, जिसको लगाना है वो लगा देना। और किसी भी तरीके का आपको कोई अपडेट चाहिए तो चैनल को लाइक कर देना, सॉरी वीडियो को, कल भी मैं यही बोल दिया था, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जल्दबाजी में बाय मिस्टेक हो जाता है। तो ध्यान रखना और लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।